स्टाफ रूम क्या हुआ मैडम आपको टेंशन लेती? अरे मैडम क्या बताऊं, रोज रोज एक नया नया आदेश आया रहता है। अब बताइए ये नया कौन सा आ गया है, निपुण भारत, निपुण विद्यालय। आप बताइए बच्चे कहाँ से गए स्कूल में इतने सारे बच्चे ना, अभिभावक सुनते नहीं है, क्या किया जाए इसका? मैडम यही कर सकते, चलिए एक बार हम लोग को ट्राई तो करना ही होगा, एक बार चलिए गांव में गार्जियन से मिलिए, देखते हैं गार्जियन को कन्विंस करते हैं, अगर वो मानते हैं बच्चे को निपुण विद्यालय बनाने के सबसे जरूरी तो चीज़ है कि बच्चे हमारे पास आए तब तो उनको पढ़ाएंगे। तो चलिए एक बार हम लोग गाँव में मिल के बच्चों से अभिभावकों से मिलते आते हैं, उनको कन्विंस करना पहले जरूरी है। चलिए 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 एक बार हम लोग गाँव का भ्रमण आइए। चलिए सीन टू गांव थे और क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? गेहूं बना रहे थे। गेहूं बना रही है? आइए, अरे चाचा आप भी आइए इधर, आइए 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 आप भी आ जाइए। मैडम नमस्ते। नमस्ते अरे मैडम भी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, और सब बढ़िया? हां सब बढ़िया, ठीक है, सब घर में सब बढ़िया बढ़िया। हां अपन बताओ। हां मेरा भी। बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं आप? अरे आप कहता रहा है संदीप हुआ कहां गया रहा है, कहां गया रहा आप लोग? अरे स्कूल में कहां था कि हम? अरे नहीं बिल्कुल स्कूल नहीं आता है कि? अरे अच्छा चली तो की माता का चाची तो आने का आया है स्कूल। मैडम जी लड़कियां से आनी में चली बा, हाँ। पढ़ लिख के करी घर रहत तो कुछ दोनों बार काम करी। अरे जब से आनी हो जाते तो पढ़ाई नहीं करते। अब मैडम बतावे आज के डेट में कौन नौकरी मिला था लड़की लड़के? आज के समय में लड़कियां कहां तक पहुंच जाते हैं? अब तो आज नौकरी नहीं हो मिलल, खाली तो कर शादी कर दे बू और कत्तो जाई ओके के हु आगो में लगा नहीं तो चिट्ठी हो तो ना लिख पाई, कुछ लिखो ना पाई, कैसे करबू तब का करबू? अच्छा मैडम ऐसा बात बा और का स्कूल भेज आप बताओ आपको का दिक्कत है, काहे ना भेजे तो मत भैया। छोटा सा बेटा है उसको खिलाती है, बताइए कैसे कौन है? हम लोग कमाई करने जाते हैं, गरीब परिवार है हमारा। तो हम लोग कहां कर रहे भैया, आप उसको भी भेजिए, हमारा आंगनबाड़ी क्यों खुला हुआ है? आपके छोटे बच्चे के लिए तो है आंगनबाड़ी में हम, हां बिल्कुल छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में बैठे और जो बच्चे बड़े हैं 6 साल से ऊपर के हैं उनको विद्यालय में। मैडम जी छोटे हैं तो उनको मार रखा पड़ते हैं बहुत जोर, तो यही तो दिक्कत है। जब बच्चे क्यों मारपीट मचाएंगे, जब वो स्कूल आएंगे विद्यालय आएंगे भैया तभी तो वो सीखेगा ना कि कैसे बिहेव करे के कैसे व्यवहार करे के मारे के हो ना मारे के हो। काली से भेजा मैडम, काली से मुनिया का पापा देखो मैडम लोग इतना दूर से आल कहीं जा हमारा लोगों ने थोड़ा सा कर्तव्य बना ना कि हम अपने लड़के को वहां भेजा जाए। हां बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोग पूरा जात का गांव वाले जो अरे सुनत रहे मैडम की कोना योजना चला रही है सरकार, इतनी योजना कुल योजना तो सरकार आपे लोगन मदे चलावत है, निपुण विद्यालय का है उसमें सारा फ्री में किताब मिल रहा है, फ्री में कप ड्रेस मिल रहा है आप लोग के खाते में, अब तो सरकार ये भी नहीं है कि चुरा रही है पैसा भी आपके खाते में भेज दे रही है, खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही है। आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग के बच्चे भी यही खेती बाड़ी का काम करें? नहीं मैडम कभी तो हम मैडम इतना परेशान है तो आप लोग दो चार कदम आगे बढ़ाइए। सरकार हमारा टूटा।